थाने में महिला हेल्प डेस्क का हुआ शुभारंभ। जी हाँ, यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेता सराय परिसर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ, ताकि महिलाएं अपनी समस्या को लेकर बेहिचक शिकायत दर्ज करा सकती है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि अब महिलाएं निसंकोच थाने में बने महिला हेल्प डेस्क पर जाकर महिला पुलिस अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके बाद क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार के साथ थाने का निरीक्षण किया। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। सर, ये किसका निरीक्षण आज किया गया है? देखिए, तो थाने का निरीक्षण था, जिसमें हम लोग सारा डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद थाने की भूमि भवन क्लस्टर होता है, उसको भी देखते हैं। कभी आपने देखा होगा, थाने का भ्रमण किया हमने, और जितनी भी प्रविष्टियाँ होती है थाने क्लस्टर में, सबको अध्यावधि किया जाता है। कुछ कमी पाई गई निरीक्षण में? अभी निरीक्षण चलेगा, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत है, ये दो दिन का कार्यक्रम रहता है, और जो कुछ रजिस्टर में कमियाँ थी उनको बता दिया गया है। क्या कैसा, कौन सा रजिस्टर देखा गया, क्या क्या? सही रजिस्टर देखा गया है, उसमें अपराध रजिस्टर हमारे यहाँ होता है, तमाम महिला संबंधी अपराध रजिस्टर होता है, NCR रजिस्टर होता है, कैशबुक रजिस्टर होता है, सब चीज़ देखी गई है। उसके अलावा आज बड़ा अच्छा काम किया गया है इंस्पेक्टर खेता सराय द्वारा, महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है। इसमें जो महिलाएँ आएंगी, महिला कॉन्स्टेबल हमारी, इसमें उनकी समस्याएँ सुनेंगी, उनको इसके बदले में पर्ची दिया जाएगा जो मुहर लगा होगा, ताकि वो कभी उच्च अधिकारियों के पास जाए तो अपनी समस्या बता सकती है कि हमारे साथ ये हुआ है, नहीं हुआ या जो आवेदक पीड़ित तहरीर देगा उसको पर्ची दी जाएगी। हाँ, जो पीड़ित पीड़िता है, सिर्फ महिलाओं में कि पुरुषों को भी ये सुविधा होगा? है, फिलहाल महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क चूँकि शुरू हुआ है, उनको दिया जाएगा और उनके पास पर्ची रहेगा, ताकि वो अपना उच्च अधिकारियों के बाद भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और इस पर 100% गारंटी है कि उनका काम होगा, उनकी सुनवाई होगी और जल्दी ही निशा किया।